आज लग गई लग गई, अरे लग गई लग गई लग गई लग गई, असलम भाई एंड कंपनी के लग गई लग गई। समझ में नहीं आ रही बात। ये लो, इसमें हैरानी की क्या बात है, जाओ और ये किताब जाके उसके मुंह पे दे मारो। यार गालियां भी क्यों? हाँ, ताकि ना सलमा सुनकर अंगारों पर लौटने लगे। ये सब करना जरूरी है? हाँ, इससे साबित ये होगा कि तुम जो हो ना फरहाद और उसकी फैमिली से नफरत करती हो। जाओ। आओ, आओ। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ। अरे नफरत तो बहुत ही मामूली लफ्ज है, मेरा बस चले तो तुम और तुम्हारे खानदान को ऐसी छुरी से ज़िबा करूँ जो कुंद हो, ताकि तुम लोग तड़प तड़प कर मरो। और अगर मेरा बस चले ना तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को बंदर बना दूं, रोड पे छोड़ दूं, वहां पे करते फिरो, समझी? लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो बंदर बनाने की भी जरूरत नहीं, खानदान ही बंदर लगते हो। देखो देखो तुम भी नजर आ रही है। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें मत करो मुझसे, किताब जल्दी से वापस करो। तुमसे ज्यादा देर बातें करके ना तुम्हारी इज्जत नहीं बढ़ाना चाहता मैं। ये लो पकड़ो अपनी किताब, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी सोहबत को नापाक करने का। पसंद है वो अच्छी है, मीठा है बिल्कुल, मीठा है चीनी की तरह मीठा है, गला बना दो, ऐसे बात नहीं करो। लाइफ इज कोलावेरी। अबे ये तो खत्म हो गया यार। लाइफ इज कोलावेरी। Life is Colabor। मैं क्या कर रहा था ये? वो अब firing। मैं firing के पीछे चोरी करके चूरन खाएगा ना तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा फटे हाथों। चोरी कौन कर रहा था, मैं तो चेक कर रहा था सही है कि नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया हकीम की औलाद। अब खानदानी चूरन है हमारा खानदानी। घटिया खानदान घटिया चूरन है। अब मैं कह रहा था कि जैसे आपका खानदान बढ़िया है वैसे ही आपका चूरन बढ़िया है। बस बस क्या लोग घटिया हैं। लोग क्यों घटिया है? चूरन जो नहीं खरीदते हमारा। अरे लग गई लग गई। अबे तेरी मार्केटिंग घटिया लड्डू, जाके मेहनत कर चल। अरे असलम भाई हालात खराब चल रहे हैं, बल्कि मैं तो आपको मशवरा दे रहा हूँ चूरन छोड़ के कोई और प्रोडक्ट पकड़ लें। बैठिया से सवाल ही पता नामुमकिन नहीं। अरे वो सलमा आपा को देखें, जहरीला गुटका बनाकर कौम को खिला रही है और लाखों कमा रही है। वो तो डायन है बेटा, और डायन पूरी कौम को खा जाएगी, हम क्या करें? और चूरन कौन सा अमृत रस है? क्या कह रहा है? तो मस्त। अबे चल बाहर से, चल तफा निकल बाहर, चल जा बाहर। ओ भाई मैं तेज तेज हाथ चढ़ा यार, 2000 पुड़ियाँ और बनानी है अभी। अब ओ सियाने ये भर भर के डाल लिया तेरे बाप का मालिक है ये। अरे लौट ले कारखाने की सफाई तो करवा लिया कर। अरे आपा क्या फायदा सफाई का? आपा गुटका जितनी गंदगी से बनता है उतना ही लजीज होता है ईमान से। तेरा शुक्रिया नाजा, ये तो झूठ बोल रहा है, ऊपर से कसमें खा रहा है। तो वैसे ही कारखाने का काम इतना गंदा है, ऊपर से ये बुरी बुरी शक्लों वाले लोग रखते हैं। आपा इसकी अम्मा इसे शाहरुख खान बोलते हैं, शाहरुख खान। अंधी होगी इसकी माँ। आपा बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाथों से ज्यादा ना तेरी जबान चलती है। अबे वो थोड़ा गुटका खा बस, अब ये नहीं बोलेगा, तुम यहाँ जाओ। अगे बस स्टॉप पे खड़ी है, इस तरह बुला रहा है।
अच्छा है। अरे आपा फिक्र ही मत करो तुम तो, मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ। कौन सा काम? अरे घबराओ मत, बिल्कुल साफ सुथरा काम है। अरे क्या काम है, कैसा काम है? और वो काम शुरू होते ही असलम भाई पाकिस्तान चौक पे ठीक मांग रहा होगा ये बाबा। नहीं मेरे भाई, खुशी में और काला हो जाता है। बनकर भाई आपको पता तो है ये खानदानी झगड़ा भी मोहब्बत से शुरू हुआ था। अरे सब कहानियां हैं, सब कहानियां हैं ये। अच्छा अगर कहानियां हैं तो फिर शीरी बाजी और आपका एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना और फिर एक सब्जेक्ट लेने का मकसद? लग गई